सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोग का एक बार फिर से बॉलीवुड टॉक्स के एक और एपिसोड में। सो गाइस, मैं लेकर आ गया आप सभी लोग के लिए बॉलीवुड से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स को। सो भाई, ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो आइए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले अपडेट निकल कर सामने आ रही है मुंजिया मूवी को लेकर। जी गाइस, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मुंजिया मूवी जो है वो ब्लॉकबस्टर मूवीज की लिस्ट में शामिल होने वाली है। जी गाइस, इसके बहुत ही तगड़े कलेक्शन हो रहे हैं। गाइस, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि पहले दिन इसने बंपर ओपनिंग की थी, यानी कि 4 करोड़ का बिजनेस किया था। वहीं दूसरे दिन इसके कलेक्शन में बहुत ही तगड़ी उछाल हमें देखने को मिल गई थी। जी गाइस, दूसरे दिन इस मूवी ने 7 करोड़ 25 लाख रुपए का बिजनेस किया था। वहीं तीसरे दिन 8 करोड़ का बिजनेस किया था। वहीं चौथे दिन इसके कलेक्शन में थोड़ी सी गिरावट जरूर नजर आई, लेकिन 3 करोड़ 75 लाख का बिजनेस कर लिया। ऐसे में भैया अब तक इसने टोटल 23 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया और भैया ये लगातार रनिंग अच्छी कर रही है और फैंस को काफी पसंद भी आ रही है मुंजिया मूवी। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हमारी दूसरी अपडेट के बारे में। सो गाइस, दूसरी अपडेट निकल कर सामने आ रही है जॉली एलएलबी 3 मूवी को लेकर। जी गाइस, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जॉली एलएलबी 3 में एक और एक्ट्रेस की एंट्री हो गई है। जी गाइस, ये कोई और एक्ट्रेस नहीं बल्कि जॉली एलएलबी 1 में नजर आई अमृता राव है। जी गाइस, अब हमें जॉली एलएलबी 3 में अमृता राव नजर आने वाली है अरशद वारसी के अपोजिट और भैया हुमा कुरैशी नजर आने वाली है अक्षय कुमार के अपोजिट। तो भैया ये पूरी स्टार कास्ट हमें देखने को मिलने वाली है जॉली एलएलबी 3 में। गाइस, मैं आपसे इसको बता दूं कि इसकी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और इसकी शूटिंग अभी राजस्थान में चल रही है और गाइस ये फिल्म हमें 2026 के शुरुआती दिनों में देखने को मिल जाएगी। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं हमारी तीसरी अपडेट के बारे में। सो गाइस, तीसरी अपडेट निकल कर सामने आ रही है सलमान खान की मूवी सिकंदर के बारे में। जी गाइस, मैं आपसे लोगों को बता दूं कि सलमान खान की जो सिकंदर मूवी है उसकी शूटिंग जो 18 जून से शुरू हो जाएगी और इसका पहला शेड्यूल लगेगा मुंबई में, जहां पर एक एयर एक्शन सीन शूट किया जाएगा। मैं आपसे लोगों को बता दूं कि इसको बड़े पैमाने पर शूट किया जा रहा है, जिसे डायरेक्ट किया है एआर मुर्गदास ने और इस फिल्म में सलमान खान के अपोजिट नजर आने वाले रश्मिका मंदाना, तो वहीं एज ए विलन के रोल में हमें नजर आने वाले सतराज, जिसे कटप्पा के रूप में हम सभी लोग जानते हैं। सो गाइस, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये फिल्म हमें साल 2025 में ईद के मौके पर देखने को मिल जाएगी। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हमारी चौथी अपडेट के बारे में। सो गाइस, चौथी अपडेट निकल के सामने आ रही है मिर्जापुर सीजन 3 के बारे में। सो गाइस, फाइनली काफी सारे दर्शकों का इंतजार खत्म हो चुका है और 4 साल बाद मिर्जापुर सीजन 3 का टीजर आउट हो चुका है। जी गाइस, मिर्जापुर सीजन 3 का टीजर आउट हो चुका है, इसके साथ साथ रिलीज डेट भी अनाउंस की जा चुकी है। गाइस, 5 जुलाई को मिर्जापुर सीजन 3 हमें अमेजोन प्राइम पर रिलीज होती हुई नजर आ जाएगी। बात कर ले टीजर की तो भैया टीजर काफी धमाकेदार लग रहा है। हालांकि इसमें किसी के डायलॉग वगैरह तो नहीं दिखाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दादाजी का ही डायलॉग हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पर वो सभी कैरेक्टर को जानवरों से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। भैया टीजर तो बहुत ही ज्यादा भौकाल मचा रहा है। तो भैया किन किन लोगों को मिर्जापुर सीजन 3 का बेसब्री से इंतजार था, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। सो गाइस, अब हम बात करते हैं हमारी पांचवी अपडेट के बारे में। सो गाइस, पांचवी अपडेट निकल कर सामने आ रही है कल की मूवी को लेकर। जी गाइस, कल की 2898 एडी का ट्रेलर जो है आउट हो चुका है। जी हां, कल शाम को 7 बजे इसका ट्रेलर आउट हुआ था और भैया ट्रेलर तो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार है। मतलब इस ट्रेलर में एक अलग ही यूनिवर्स दिखाया गया है, एक अलग ही दुनिया दिखाई गई है। इसके जो डायरेक्टर है यानी कि नाग भैया, उनका जो विजन है वो बहुत ही तगड़ा है। गाइस, आप सभी लोगों ने हॉलीवुड मूवी अवतार को तो जरूर देखा होगा, उसका विजन भी काफी अलग था, एक अलग ही दुनिया हमें देखने को मिल गई थी। तो भैया कल की 2898 एडी मूवी में भी हमें कुछ ऐसे ही देखने को मिलने वाला है, जहां पर हमें महाभारत की बहुत अच्छी कहानी देखने को मिलेगी और भैया यहां पर हमें भगवान विष्णु का अवतार देखने को मिलेगा, जहां पर अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा के कैरेक्टर में हमें नजर आ रहे हैं। भैया बहुत ही तगड़ी फिल्म होने वाली है और एक अलग ही विजन के साथ बनाई गई है ये फिल्म। तो भैया ये फिल्म 27 जून को थिएटर में रिलीज होगी। आप सभी लोग इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। सो गाइस, अब हम बात करते हैं हमारी पांचवी अपडेट के बारे में। सो गाइस, पांचवी अपडेट निकल कर सामने आ रही है सोनाक्षी सिन्हा की शादी को लेकर। जी गाइस, खबरें ये आ रही है कि भैया सोनाक्षी सिन्हा अपने बॉयफ्रेंड जहीद इकबाल के साथ बहुत जल्दी शादी करने वाली है, लेकिन उनसे पूछा गया था कि क्या आपकी फैमिली इस चीज पर राजी हो गई थी, तो भैया उन्होंने कहा था कि फैमिली तो राजी हो गई है। लेकिन अभी शत्रुघ्न सिन्हा ने रिसेंटली बयान में बोला है कि भैया आजकल के बच्चों को पेरेंट्स के परमिशन की कोई भी जरूरत नहीं होती है, यानी कि सीधी सीधी बात है भैया जहीर इकबाल एक मुसलमान है और सोनाक्षी सिन्हा एक हिंदू है, इन दोनों की जो शादी हो रही है इस पर ऐसा लगता है कि भैया शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी मंजूरी नहीं दी है। फिलहाल गाइस, आज के लिए बस इतनी अपडेट थी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।